मोदी का मोहन प्लान 2019 में उन्हें पीएम की कुर्सी तक दोबारा पहुंचा सकता है, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है इस वक्त। असल में मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल ने मोदी से मुलाकात की है, जिसे केरल चुनाव के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पीएम मोदी के साथ इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम मोहनलाल है और मोहनलाल मलयालम की फिल्मों का बड़ा नाम है। मोहनलाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी से मिलने वाली दो तस्वीरें शेयर की। इसके बाद से ही इस बात की अटकलें लगने लगी कि मोहनलाल 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा होने लगी है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम सीट से मोहनलाल उम्मीदवार बन सकते हैं। अभी कांग्रेस के शशि थरूर इस सीट से सांसद हैं। 2014 में बीजेपी के ओ राजगोपाल दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी केरल में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। केरल देश का वो राज्य है जहां लोकसभा की 20 सीट है, लेकिन 2014 की देशव्यापी मोदी लहर के बाद भी यहां एनडीए का खाता नहीं खुला था। अभी पिछले साल ही बीजेपी ने यहां संगठन मजबूत करने के लिए जन रक्षा यात्रा निकाली थी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। केरल में बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने में जुटा है। यहाँ स्थिति ये है कि आरएसएस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में हिंसक राजनीति होती है। पीएम मोदी ने भी मोहनलाल से मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा है, कल सोमवार को मेरी मोहनलाल जी के साथ मुलाकात हुई, अच्छी चर्चा हुई, उनकी विनम्रता सराहनीय है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके प्रयास प्रेरणादायी हैं। अब अगर 2019 के लिए मोहनलाल बीजेपी में आ गए तो केरल की राजनीति में ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।